हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध का माहौल बना हुआ है और ऐसे में ये देखना होगा कि किसके पास मिलिट्री पावर ज़्यादा है। इसराइल की टेक्नोलॉजी तो आप सबको पता ही है कि कितना हाई पावर है इसराइल, अपनी टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे है सभी देशों से, ख़ास तौर पर ईरान से। अभी उसने अपने पेजर अटैक और वॉकी टोकी में अटैक कर कर भी उसने दिखाया है, लोगों को चौंका दिया था अपनी टेक्नोलॉजी से। लेकिन मिलिट्री पावर किस देश की ज़्यादा है और किस देश के पास कितने अत्याधुनिक हथियार हैं, ये देखना भी बहुत अहम होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने कंपैरिजन किया है इसराइल और ईरान की मिलिट्री पावर का। तो पहले बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ईरान वर्सेस इसराइल, कैपिटल तेहरान, जेरूसलम, प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, मसूद फैकिस्तान, पता नहीं क्या नाम है। स्क्वायर लैंड एरिया, एरिया में ईरान काफ़ी बड़ा है जबकि इसराइल बहुत छोटा है। पॉपुलेशन 87.5 मिलियन है, 9.4 मिलियन। नॉमिनल कॉस्ट यहाँ पे इसराइल ज़्यादा है। परचेसिंग पावर में ईरान ज़्यादा है। डिफेंस बजट लगभग बराबर ही है ईरान और इसराइल। ये न्यूक्लियर पावर 90, इसराइल के पास न्यूक्लियर है। टोटल प्रोफेशनल्स भी ज़्यादा है ईरान के पास, इसराइल के अकॉर्डिंग एक्टिव प्रोफेशनल्स भी ज़्यादा है ईरान के पास। रिजर्व पर्सनल्स इसमें थोड़ा इसराइल ज़्यादा है रिजर्व पर्सनल्स में, और पैरामिलिट्रीज में भी ईरान ज़्यादा ही नज़र आता है। आर्म्ड फोर्सेस एरिया, इसराइली आर्मी प्रोफेशनल इसराइल के पास ज़्यादा है। कॉम्बैट टैंक्स 1613 है और यहाँ पर है इसराइल के पास 1370। टोटल आर्म्ड व्हीकल 65,000 समथिंग है जबकि इसराइल के पास 43,000 समथिंग है। इन्फेंट्री की बात करें तो इन्फेंट्री में ईरान ज़्यादा आगे नज़र आ रहा है। और अगर हम एमरोड के आर्म कैरियर की बात करें, इसमें भी ईरान ज़्यादा है। ईरान के पास सारे वेपन लगभग ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं, वो यहाँ पर भी ज़्यादा है। प्रोपेल मिलिट्री आर्टिलरी में भी ज़्यादा ही है। फील्ड आर्टिलरी, इसमें भी ईरान ज़्यादा है। तोप वगैरह जो, रॉकेट प्रोजेक्टर इतने ज़्यादा है ईरान के पास। लेटेस्ट रेंज मिसाइल ईरान इसराइल यहाँ पर मास में, लेंथ में, और यहाँ पर इसराइल की मिसाइल ज़्यादा कारगर नज़र आती है। ईरान इसराइल एयरफोर्स में 42,000 प्रोफेशनल्स हैं, इनके पास 89,000। टोटल एयरक्राफ्ट 778,684। फाइटर एयरक्राफ्ट 186 जबकि इनके पास 241। तो एयरफोर्स में इसराइल ज़्यादा है। और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट सारी चीज़ में, एयर अगर आप बात करें एयरफोर्स में तो इसराइल यहाँ पर ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। मेजर फाइटर एयरक्राफ्ट में अगर हम देखें तो फाइटर एयरक्राफ्ट में इसराइल के पास काफ़ी अच्छे एयरक्राफ्ट हैं अकॉर्डिंग टू ईरान। ईरान के पास स्पेशल मिशन 10 की है उसने, और इसराइल एयरफोर्स में इसराइल है, सब चीज़ में इसराइल ही आ गया। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर
ट्रेनर एयरक्राफ्ट 102, इसराइल के पास 154, हेलीकॉप्टर्स 129, 146, अटैक हेलीकॉप्टर 13, 48, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 86, जबकि इसराइल के पास है 17। टैंकर्स की हम बात करेंगे तो ईरान के पास 7 टैंकर्स जबकि इसराइल के पास 14। यूएवी ड्रोन जिनको हम बोल सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा है इसराइल के पास। नेवी में अगर हम अब नेवी की बात आते हैं, नेवी प्रोफेशनल्स 18,500 हैं जबकि इसराइल के पास 19,500, 1,000 फालतू हैं। टोटल नेवी एसेट्स हैं 101, टोटल नेवी एसेट्स हैं 67। हेलीकॉप्टर कैरियर 0, इनके पास भी हैं 0। डिस्ट्रॉयर ईरान के पास 0, इसराइल के पास भी 0। यहाँ पर अपना ईरान आगे जा रहा है भाई, कॉर्वेट्स इसमें जीत रहा है इसराइल। सबमरीन्स की हम बात करें तो 20 सबमरीन है ईरान के पास जबकि 5 है केवल इसराइल के पास, केवल 5। पेट्रोल वेसल 21 है इनके पास, इसराइल के पास 45 है। माइन वारफेयर 1 और इनके पास 0। मर्चेंट मरीन 942, इसराइल के पास सिर्फ 45। फोर्थ टर्मिनल 4, इसराइल के पास 5। लेबर फोर्स 27.6 मिलियन। एयरपोर्ट्स 319, एयरपोर्ट्स ओनली 42। रोडवेज कवरेज में भी ईरान ज़्यादा है। रेलवे कवरेज ईरान एब्सोल्युटली। वाटरवे कवरेज में भी ईरान ज़्यादा है। तो ये थी आज की वीडियो। दोस्तों हमने वीडियो में देखा कि ईरान के पास मिलिट्री पावर यानी कि संख्या बल के मामले में बहुत ज़्यादा है, उसकी आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी है इसराइल के अकॉर्डिंग, और उसका क्षेत्रफल भी बड़ा है, उसके पास एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, उसके पास आर्टिलरी भी ज़्यादा है। इसराइल के पास ये सब संख्या में बहुत कम है, लेकिन इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, और जो इसराइल है, इसराइल की एयरफोर्स जो है वो काफ़ी आगे नज़र आती है ईरान की एयरफोर्स के मुकाबले। और इसराइल के पास जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी, और हम बात करें उसके एयरफोर्स की तो उसके पास एयरक्राफ्ट जो है वो अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट है इसराइल के पास, जबकि ईरान के पास मिलिट्री पावर की जो उनकी पैदल सेना है और जो उनकी वैसे वाली सेना है तो वो काफ़ी ज़्यादा है। आर्टिलरी उनके पास है, तोप टैंक इन सब चीज़ के मामले में ईरान काफ़ी आगे नज़र आता है, लेकिन क्योंकि दोनों ही देश के बॉर्डर आपस में मिलते नहीं हैं और दोनों को एक दूसरे के ऊपर एयर से ही अटैक करना पड़ेगा, तो इस मामले में अगर देखा जाए तो इसराइल के पास क्योंकि एयर फोर्स ज़्यादा है तो इसराइल काफ़ी सक्षम हमले कर सकता है ईरान के ऊपर, और ईरान को अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर नेस्तनाबूद भी कर सकता है। बहरहाल जो भी होगा वो तो युद्ध होने के बाद ही पता चलेगा कि किसकी विजय होती है। तो ये थी इन दोनों ही देशों की मिलिट्री पावर, हम दोनों का एक हेल्दी कंपैरिजन आपके सामने किया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार हमें सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जय श्री राम भी लिख दो, और हमें बताओ कि भारत को किसका सपोर्ट करना चाहिए, इसराइल का सपोर्ट करना चाहिए कि ईरान का सपोर्ट करना चाहिए, ये आप हमें कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।